आज हम बना रहे हैं मिनी कचौड़ी, जो खस्ता मिनी कचौड़ी होती है, राजस्थान साइड भी बहुत होती है और आजकल तो हर जगह मिलती है, सबकी पसंदीदा टी टाइम स्नैक मिनी कचौड़ी। आप कहेंगे अभी अभी दिवाली निकली, इतने सारे स्नैक्स बनाए थे, फिर मिनी कचौड़ी। पर मिनी कचौड़ी बनाने का एक कारण है, आज ये कारण है कि अक्सर हम मिनी कचौड़ी बनाते हैं जैसे आलू भुजिया वगैरह अंदर ग्राइंड करके डाल देते हैं, या पापड़ी डाल देते हैं, या जो भी डाल देते हैं, या मूंग दाल से भी बनाते हैं। पर मैं आज अपने जब घर में चेक कर रही थी तो डब्बों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे दिखी, जैसे थोड़ी सी चकली दिख गई, थोड़ा सा मुझे मठरी दिख गई, थोड़ा सा नमकीन अभी बनाया था वो दिखी, मूंग दाल बनाई थी वो दिखी, थोड़ी मैंने पापड़ी और ऐड कर ली, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी दिखी। जैसे किसी को सर्व करना चाहिए तो वो नहीं लग रहा था कि इतना वो सर्व हो सकता है, तो इस सब को हम मिला के भी एक बढ़िया सा स्नैक्स बना सकते हैं। आप भी अपने किचन में देखिए क्या कुछ छोटा छोटा पड़ा है, क्योंकि सब ग्राइंड हो जाएगा, इसका टेस्ट तो एक अलग ही बाद में आएगा, तो हम क्यों ना इनको यूज़ भी करें और एक नया नाश्ता तैयार कर लें। तो आज हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे इस मिनी कचौड़ी के अंदर। हम ले रहे हैं मैदा, 125 ग्राम से 130 ग्राम के आसपास मैदा है, एक कप पूरा मैदा है। इस मैदे के अंदर हम डालेंगे नमक। इस कचौड़ी की जो कवरिंग होती है मैदे की, उसमें आप नमक बहुत कम डालें, वो थोड़ी सी फीकी अच्छी लगेगी, और बाद की जो रहेगी जो अंदर का मसाला वो थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, थोड़ा तीखा भी होता है, उसमें सारे टेस्ट होते हैं। इसमें लेंगे बहुत थोड़ी सी अजवाइन, हाथों से क्रश करें। अब मेन चीज है इसमें मोयन, मोयन से मतलब है जो अंदर हम घी डालते हैं जिससे ये खस्ता बनती है। तो अब या तो आप घी यूज़ कीजिए, या फिर आप वनस्पति घी यूज़ कीजिए, या रिफाइंड, ये आपकी चॉइस है। मैं घी ले रही हूँ, तो एक कप में मैं अभी 1/4 कप घी लिया है, पहले मैं इसमें चेक करूँगी, 1 टेबल स्पून बचा दिया है। इस मैदे में अगर आप अंदर अच्छे से डालते हैं घी या ऑयल, तो ये बाद में इतना कभी भी फ्राई होते टाइम इतना ऑयल नहीं लेती, ये ड्राई रहती हैं बहुत। और अगर आपने इस समय कंजूसी की तो वो बाद में तो लेगी, लेकिन तभी भी इतनी खस्ता नहीं बनेगी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो है मोयन परफेक्ट है, 2 से 2.5 टेबल स्पून काफ़ी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, और ये देखिए ये इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरे हाथ में जरा सी है बेकिंग सोडा, बहुत जरा सी, इसी को 1 पिंच कहते हैं, इसे हमने मिक्स करना है। अब 1 कप मैदा था, मैं बताती हूँ पानी कितना लगा, मैं 1 कप ही पानी ले रही हूँ। इस कचौड़ी का आटा हमें सॉफ्ट चाहिए, बिना जोड़ वाली गोल गोल कचौड़ी बनाने के लिए मेन चीज है इस मैदे को गूंथना। ये मुश्किल से 2 से 2.5 टेबल स्पून पानी लगा है, 1/4 कप से कम लगा है, क्योंकि मोयन भी था तो बस इतना ही काफ़ी है। अब इसे हम ढक के करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसकी रेस्ट करने के लिए इसे रख रहे हैं। अब हम एक मिक्सी का जार ले रहे हैं, जिसमें ये मठरी, चकली, जो भी नमकीन है आपके पास, ये सारा नमकीन डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इसे हमने दरदरा कर लिया है। अब आती है बारी इसके मसालों की, जो खास मसाले चाहिए वो तो चाहिए ही है, चाहे जो भी आप नमकीन डालो, चाहे आलू भुजिया डालो या ये डालो, लेकिन इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई स्पाइसी नमकीन डाला है तो मिर्च वगैरह कम डालें उस हिसाब से, अगर आपने फीके नमकीन लिए तो उस हिसाब से मिर्च वगैरह अपने हिसाब से अच्छे से डालें।
यहाँ ले रहे हैं हम एक पैन, मीडियम फ्लेम रखी है। एक छोटा चम्मच ले रही हूँ मैं धनिया साबुत, डेढ़ चम्मच ले रही हूँ सौंफ मोटी वाली, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सफ़ेद तिल। ये सीख चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इन मसालों को हल्का ठंडा कर दिया है, इसी मिक्सी के जार में हम ये डालेंगे। अब इसमें जो मैं और मसाले डाल रही हूँ, मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मिठास का भी फ्लेवर आता है, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हींग पाउडर 1/4 टीस्पून, इसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा अदरक पाउडर लिया अगर आपके पास हो तो डालें, बहुत थोड़ा सा नमक, नमक मैं एक्स्ट्रा और नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा काला नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर। अब इसको सिर्फ एक बार चर्न करेंगे क्योंकि इन मसालों के साथ भी सबके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस समय आप चेक कर सकते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसको थोड़ा गीला करने के लिए, क्योंकि हम पानी यूज़ नहीं करते, तभी ये इतनी लॉन्ग टाइम ये कचौड़ी चल सकती हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेस्ट होती हैं, बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं, टी टाइम के लिए बहुत बेस्ट होती है। अब इसमें आप डालेंगे जो पहले से बनी हुई हमारे पास मीठी चटनी होती है, खट्टी मीठी गुड़ और इमली की जो चटनी होती है वो डाल दें। वो सिर्फ इसलिए डाली जाती है, एक तो हल्की सी ये गीला हो जाए मसाला, और दूसरी चीज़ इसमें एक टेस्ट आ जाए खटाई का, जो मिठास का, और चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। आप बारीक कटे हुए काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं। अब ये जो मिश्रण तैयार है, इस मिश्रण को एक एक चम्मच लीजिए और हाथ में ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। उससे क्या होगा, मसाला बिल्कुल बढ़िया बीच में गोल सा हो जाएगा और आपकी कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट गोल बनेगी। एक एक चम्मच लीजिए मसाले को और उसे इस तरीके से गोल बनाइए। ये देखिए, मैंने कुछ बॉल्स बना लिए हैं। अभी मैदा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये हम बाद में बना सकते हैं मैदा दोबारा गूंथ के। तो इसके जो बॉल्स बनाए, अब इससे थोड़े से बड़े बड़े बॉल्स हमें इस मैदे के भी बनाने होंगे। इस बॉल से हल्का सा थोड़ा सा बड़ा बॉल इस मैदे के भी बनाएंगे। अब हमें लेना है इस तरीके से मैदा। मैदा देखिए सॉफ्ट है तो ये हाथों से ही बिल जा रहा है, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर हथेली पे रखना है, यहाँ पर एक बॉल रखना है और इस मैदे को धीरे धीरे ऊपर तक ले जाना है। जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम हटा देंगे और इस बॉल को, ये कचौड़ी जो होती है गोल होती है, इस बॉल को हमने ऐसे रखना है। इसी तरीके से हमें वापस मैदा लेना है, इसमें एक ही बॉल रखेंगे, धीरे धीरे इसे ऊपर की ओर लेके ये देखिए कोई क्रैक्स नहीं है। और हल्का सा आप प्रिकॉशन के लिए हल्का सा मैदा लेंगे जिससे वो आपस में टकराएंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया फ्राई होंगे बहुत ही स्लो गैस पे। पहले हम सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैदे की हम मिनी कचौड़ी बना रहे हैं तो हमें फ्लेम इसकी बिल्कुल स्लो चाहिए, जैसी मुझे चाहिए मेरे पास है। तो अब ये हमने बॉल्स जो बना रखे हैं इसे हमने इसमें डालना है। इसको धीरे से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया बॉल्स हैं और ये इन्हें धीरे धीरे आराम से गोल्डन होने तक, गोल्डन कलर होने तक इन्हें सेकेंगे। बहुत ज़्यादा लो भी मत कीजिए क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाले,
ज़्यादा जब क्वांटिटी में डालते हैं तो जो फ्लेम होती है ये बढ़ जाती है, तो लो टू मीडियम रखिए, एकदम से लो मत रखिए। ये देखिए धीमी आंच में बहुत ही बढ़िया सिकी हैं और गोल्डन कलर की हुई हैं, और ये आराम से आपकी महीना भर खा सकेंगे। इसे आप कोई भी नमकीन लीजिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये नमकीन से हम बना सकते हैं तो इस तरीके से आप बनाइए। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है और ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये कुछ ट्रिक्स के आप ध्यान में रखिए कि क्या ट्रिक्स हमें फॉलो करनी है, आपकी भी बनेंगी कचौड़ी बहुत ही अच्छी। और ये जो मसाला है जस्ट इतनी ही क्वांटिटी और भी बनेगी, मतलब एक कप और मुझे मैदा गूंथना पड़ेगा तब ये मसाला पूरा हो पाएगा। ये सिर्फ 15-16 कचौड़ी बनी है एक कप मैदे में और आधे मिश्रण से। तो इस तरीके से कचौड़ी हमारी तैयार हो गई हैं, जो बचा हुआ मिश्रण था उसकी भी मैंने तैयार कर ली है। तो 25-30 कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। अब इसे ठंडी करके एयर टाइट जार में रखिए और इसके इंजॉय कीजिए। और 100% ये बचेंगी नहीं और लगेगा ही नहीं आपने किस चीज़ से बनाई, तो बहुत पसंद आएंगी। आप भी ज़रूर चेक कीजिए डब्बे कौन से पड़े हैं और क्या छोटी छोटी चीज़ें आपकी बची हुई पड़ी हैं, जिससे आपका एक नया स्नैक्स बन के तैयार हुए। अच्छा, इस कचौड़ी को अब हम तोड़ते हैं कि कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कचौड़ी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट रही है और क्रिस्पी बहुत है, बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, इसके अंदर का मसाला बहुत ही अमेजिंग सा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, मसाला किचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।